पिछले रविवार को यानी 3 अप्रैल लगभग 7:30 बजे गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर के गेट पर पीएसी के जवानों के ऊपर हुए हमले की चर्चा चारों ओर हो रही है। इसकी एक वजह यह भी है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर और महंत भी हैं। इसलिए जब मुर्तजा अब्बासी नाम का यह युवक एक हसिया लेकर सुरक्षा कर्मियों पर टूट पड़ता है तो हंगामा मच जाता है। सोशल मीडिया पर भी इन दिनों इस घटना का वीडियो तेजी से और वायरल हो रहा है। इस घटना को अंजाम अहमद मुर्तजा अब्बासी नाम के एक शख्स ने दिया था। पुलिस इस हमले की जांच अलग अलग एंगल से कर रही है। इस हमले के बाद से हर कोई यह जानना चाहता है कि देश के सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों में शुमार IIT मुंबई से पास केमिकल इंजीनियर जो कि नामचीन कंपनियों में भी काम कर चुका है, उसने ऐसा क्यों किया। इस सवाल पर कुछ दिन पहले ही आरोपी ने अपना मुंह खुद खोला और एक बड़ा बयान उसने पुलिस को दिया, जिसका वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। पापा आए थे उसमें किराए जा रही थी उनका काम करके, तो उसमें वही थे तो कह रहे कुछ सीरियस लग रहा है कुछ। नहीं ठीक है, पुलिस की कोई बात नहीं, वहाँ जाने की क्या जरूरत है। दावा है कि मुर्तजा अब्बासी जल्द ही कनाडा शिफ्ट होने वाला था। वह कनाडा से ही ISIS के गढ़ सीरिया भागने की तैयारी में था, इसलिए मुर्तजा ने बैंक खातों में करीब 20 लाख रुपए जमा कर रखे थे। लेकिन जब मुर्तजा को अपनी गिरफ्तारी का डर हुआ तो उसने मंदिर में फिदायिन बनकर हमला करना ही सही समझा। उसने सोचा कि पकड़े जाने से बेहतर है कि किसी को मार कर मरूंगा। उसकी मंशा थी कि वह सुरक्षा जवानों पर हमला करके उनकी बंदूकों को छीनकर मंदिर पर हमला करके सबको मार कर खुद ही मर जाऊंगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका और वहां के पुलिस व पब्लिक के सहयोग से वह पकड़ा गया। मुर्तजा की गिरफ्तारी के बाद से ही रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इसी क्रम में जब ATS की टीम ने उसके परिवार व पत्नी से बात की तो कई सारे राज खुलकर सामने आए। परिवार वालों ने यह अपील की है कि उनका बेटा दिमागी रूप से बीमार है, तो इस पर गौर करने की दलील परिवार के साथ साथ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी की है। ATS के खुलासे में यह बात सामने आई है कि गोरखनाथ मंदिर में तैनात PSC जवानों पर हमले का आरोपी मुर्तजा खाड़ी देशों में रुपए भेजता था। खुफिया एजेंसी तभी से उस पर नजर रख रही थी। एजेंसियों ने उसकी गहराई से छानबीन के लिए ATS को लगाया था। मुर्तजा के परिवार की गिनती रसूखदारों में होती है, उनके पास भी अच्छी खासी रकम थी। ATS सूत्रों के मुताबिक पढ़ाई के दौरान ही उसने 2012 से 15 के बीच नेपाली खातों के माध्यम से सीरिया पैसा भेजा था। यही नहीं, 2020-21 में भी नेपाली खातों के जरिए करीब 8 लाख रुपए उसने सीरिया भेजा था, जिसके बाद से ही वह खुफिया एजेंसियों के रडार पर आया था। इसी क्रम में जब 2 अप्रैल को ATS उसके घर अधिवक्ता के रूप में पहुंचे तो वह नहीं मिला। परिवार के अन्य लोगों से जानकारी लेकर टीम चली गई थी, पर मुर्तजा के चाचा को उसके हाव भाव से शक हो गया था। उन्होंने जानकारी जुटाई तो पता चला कि वह पुलिस वाले थे। डॉक्टर चाचा ने इस बारे में जब मुर्तजा से फोन पर पूछा तो उसके बाद वह घर से भाग गया और अगले दिन घटना को अंजाम दिया। मुर्तजा के खाते में बड़ी रकम रखने के सवाल पर ATS को परिवार के लोगों ने बताया कि वह कनाडा जाने की तैयारी में था। कनाडा जाने वाले व्यक्ति के खाते में पैसा होना जरूरी होता है। कुछ महीने तक पैसा होने के बाद ही वीजा मिलता है, इसलिए उसके खाते में पैसा रखा गया था। अब यहाँ सवाल यह उठता है कि परिवार वालों के मुताबिक उसकी दिमागी हालत खराब है। अगर उसकी दिमागी हालत खराब थी तो परिवार वालों ने इतने पैसे उसके खाते में क्यों रखा और उसे कनाडा क्यों जाना था। हालांकि ATS की जांच अभी पैसों को लेकर जारी है। UP ATS की टीम झांसी के कारोबारियों से उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के क्रम में जौनपुर पहुंची। मुर्तजा की पहली पत्नी शादमा से UP ATS की टीम ने काफी देर तक पूछताछ की। इस दौरान मुर्तजा के व्यवहार व उसके कारोबारियों के बारे में भी पूछा। इसके बाद ATS ने शादमा के पिता मुजफ्फरुल हक से भी पूछताछ की। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर इनकार करते हुए कहा कि उनका और उनकी बेटी का मुर्तजा से 2019 सितंबर के बाद से ही कोई संबंध नहीं है।
मुर्तजा अब्बासी की पहली पत्नी के पिता मुजफ्फरुल हक ने बताया कि उनकी बेटी की शादी 2019 में केमिकल इंजीनियर अब्बासी के साथ हुई थी। उस समय उसका व्यवहार ठीक था। बेटी ससुराल गए तो मुर्तजा की मां और परिवार वाले शादमा को टॉर्चर करते थे, जिसकी वजह से कुछ महीनों बाद सितंबर 2019 में बेटी वापस मैके आ गई। बेटी ने तलाक ले लिया और फिर फोन से मुर्तजा ने भी तलाक दे दिया। उसके बाद से उनकी बेटी और उनका मुर्तजा और उसके परिवार से कोई संबंध नहीं है। मुर्तजा अब्बासी की पहली पत्नी ने बताया कि उसकी फैमिली पूरी तरह से रिलीजियस थी। आतंकी संगठन से जुड़े होने के सवाल पर शादमा ने कहा कि मुर्तजा की मां उसे मानसिक रूप से टॉर्चर करती थी। शादमा ने बताया कि मुर्तजा उससे बहुत कम बात करता था, हमेशा दूर रहता था। शादमा ने उसका लैपटॉप और मोबाइल कभी नहीं छुआ। वह लैपटॉप और मोबाइल कमरे में नहीं रखता था। घर में मुर्तजा की माँ कभी कभी जाकिर नाइक का वीडियो देखती थी। सादमा ने बताया कि मुर्तजा मुझसे मतलब नहीं रखता था। उसने खुद कहा था कि वह मुझसे शादी सिर्फ अपने परिवार वालों के कहने पर किया है। पढ़ाई के समय से ही दिमाग में भरता गया जहर। मुर्तजा जितना पढ़ाई में तेज था, उतना ही कट्टरता भी उसमें भरती गई। मुंबई में रहने के दौरान ही उसकी सोच कट्टर होती गई और दिमाग में जहर भरता गया। वह कट्टरता की तरफ कदम बढ़ाता जा रहा था। जब कोई आतंकी मारा जाता तो मुर्तजा को लगता कि मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। पढ़ाई के दौरान जब उसके सहपाठी आतंकियों के मारे जाने पर खुशी जताते तो मुर्तजा दुखी हो जाता। वह यह भी सोचता था कि वह केमिकल इंजीनियर की जगह कंप्यूटर इंजीनियर होता तो अपने मकसद को और अच्छे से अंजाम दे सकता था। एक तरफ मुर्तजा कट्टरपंथ की ओर बढ़ता गया, वहीं परिवार के लोग उसे बीमार समझते रहे। घर वालों के मुताबिक वह अक्सर जान देने की बात करता था, आत्महत्या की प्रवृत्ति का इलाज कराते रहे, लेकिन घर वाले जान देने के पीछे जो मकसद छुपा था उसे समझ नहीं पाए। यही वजह है कि जिस बेटे से उम्मीदें पाल रखी थी वह जिहादी बन गया, उन्हें पता ही नहीं चला। गोरखनाथ मठ पर तैनात पीएससी के जवानों पर चाकू से हमला करने वाला अहमद मुर्तजा अब्बासी का करियर काफी अच्छा था। वह दो नामी समूह रिलायंस इंडस्ट्रीज और एसआर पेट्रोकेमिकल्स में काम कर चुका था। अब्बासी के पिता मोहम्मद मुनीर कई फाइनेंस कंपनियों के सलाहकार रह चुके हैं, जबकि उनके चाचा गोरखपुर के नामी डॉक्टर हैं। अब्बास के पिता का कहना है कि मेरा बेटे ने जो भी किया वह सही नहीं है। सरकार को उसके साथ सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाना चाहिए, क्योंकि वह मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। अब्बासी की गिरफ्तारी के बाद यूपी एटीएस ने उसके पास से फ्लाइट टिकट, बैंक एटीएम कार्ड, एक मैकबुक और कई उर्दू ग्रंथ बरामद किए हैं। इसी क्रम में गोरखनाथ मंदिर हमले के आरोपी मुर्तजा अब्बासी को एटीएस ने सोमवार को गोरखपुर कोर्ट में पेश किया। मिली जानकारी के अनुसार कोर्ट में पेश करने के बाद 22 मिनट तक उसकी पेशी चली। पेशी के दौरान जज ने पूछा, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? तब उसने नहीं में जवाब दिया। बाकी पूरे पेशी के दौरान वह शांत रहा, एक भी शब्द नहीं बोला। मुर्तजा का यह स्वभाव देखकर एटीएस अफसर भी दंग रह गए, क्योंकि एजेंसी के पूछताछ के दौरान वो जिस तरह से मंदिर पर हमले की बात कही थी, मुसलमानों से जुड़ी तकलीफों का जिक्र किया था, जन्नत की बात की थी, शायद वह जानता था कि पुलिस या किसी एजेंसी के सामने दिया गया बयान मान्य नहीं जब तक उसे कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने ना दिया जाए। अभी तक उसके परिवार की तरफ से उसकी जमानत अर्जी दाखिल नहीं की गई है। बताया जा रहा है कि गोरखपुर का कोई भी वकील केस लड़ने को तैयार नहीं है। वही 22 मिनट की पेशी के बाद सिविल जज सीनियर डिवीजन प्रभात त्रिपाठी ने कोर्ट में मुर्तजा की रिमांड 16 अप्रैल तक बढ़ा दिया। अब 16 अप्रैल को गोरखपुर कोर्ट में ही सुनवाई होगी। आपको बता दें कि मुर्तजा एटीएस की पूछताछ में जितना सनकी नजर आ रहा था, कोर्ट में पेश होने से ही वह सीधा बन गया। वह जज के सामने कुछ नहीं बोला। वही सूत्र के अनुसार मिली जानकारी के मुताबिक अब तक एटीएस की पूछताछ में सामने आया था कि उसको चाय दिया गया तो उसने लस्सी पीने की बात कही, तथा पूछताछ के दौरान वह कहता था कि वह काफी थक गया है, अब उसके आराम करने का समय है। आपको बता दें कि यह जिंदगी है IIT स्नातक अहमद मुर्तजा अब्बासी की, उसी अब्बासी की जिसने रविवार शाम 3 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में तैनात सुरक्षा कर्मियों पर हमला किया था।
घटना के एक वीडियो में आरोपी सुरक्षा कर्मियों पर पीछे से हमला करता देखा गया है। उस समय वह अल्लाह अकबर का नारा लगाकर मंदिर में घुसने की कोशिश कर रहा था। अब्बासी अब हिरासत में है, उसके बीते जीवन के हर पल को खंगाला जा रहा है। जांच अधिकारी इसे आतंकी वारदात करार दे रहे हैं। इससे उलट मुर्तजा के पिता उसे बचपन से दिमागी रूप से बीमार बता रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दीवानी न्यायालय के वकीलों ने कहा, आप बढ़िए आगे आप लेकर आई गड़िया जोड़ी जा रही है 7 दिनों में। लगातार कोशिश कर रही हूँ। और मंशा क्या थी, विजय सतीश के साथ में वैभव मिश्रा, रिपब्लिक भारत। कुछ देर बाद अभी यहाँ पे रिमांड मिलेगा, बैठा जाएगा और लगातार इस तरह से ट्रैफिक हो रहे हैं और रही इस मामले में मुझे साथ के मीडिया अपने रिमांड पर लेकर नेटवर्क पे कौन कौन से लोग किस तरह से वकील का किसी तरह छोड़ दिए अनिल कुमार पासवान। अभी क्या बात है, कुछ पता चला आप लोगों को? रिमांड मांगा गया है सरकारी वकील के द्वारा, 15 दिन का रिमांड मांगा गया। देखिए आदेश सुरक्षित रखे हुए मजिस्ट्रेट साहब। क्या कोर्ट का अभी कोर्ट का मानना है कि अभी अगर मतलब सरकारी वकील साहब के तरफ से दलील ये दी गई है कि अभी कुछ जांच बाकी है, इससे और खुलासे हो सकते हैं। तो अपनी दलील दी गई है, अभी मजिस्ट्रेट साहब ने सुरक्षित रखा हुआ आदेश। देखा जाए तो हमारी बड़ी एजेंसियां इसमें इन्वॉल्व है, एनआईए तक इन्वॉल्व है। जी जी, इसको लेकर क्या कोर्ट के द्वारा तब भी क्या माना जाएगा? संदिग्ध तो माना जा रहा है, कोर्ट को रिमांड देना चाहिए। राजन कुमार सिंह। देखिए जुडिशियरी तो यही थी उनकी,
तो अब आगे क्या निर्णय होता है कोर्ट का, ये तो कोर्ट के ऊपर निर्भर है। देखा जाए तमाम बड़ी एजेंसियां भी इसमें जुड़ गई हैं, जांच में प्रतिबंधित माना जा रहा है। हाँ, जाहिर सी बात है। क्या लग रहा है कोर्ट के द्वारा क्या निर्णय है? अब तो देखिए कोर्ट के द्वारा अब क्या होता है तो कोर्ट के ऊपर निर्भर है। ये भी बताया जा रहा 16 तक की रिमांड के लिए जी जी ATS ने अप्लाई किया जी जी क्या लगता है पढ़ाई जाएगी? हाँ, जी व्यू दे दो।